देखिए मेरे प्यारे भाई ने कमेंट किया कि जो आप इस चैनल से कमाते थोड़ी ना होंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको चैनल दिखाई देता हूँ, ये आपका परिवार है मेरा नहीं है। 7845 सब्सक्राइबर, वीडियो नहीं डाल रहा था, बीमार था मैं इस वजह से। अभी अर्न पे जाता हूँ, आप ये देख सकते हैं कि जिसके वजह से वीडियो नहीं डालने की वजह से बच्चों ने रिव्यू में दे दिया कि भाई साहब ये यूज़फुल कंटेंट नहीं डालते हैं, तो इसलिए क्या हुआ कि दोस्तों डीमोनेटाइज हो गया चैनल। आप देख पा रहे होंगे कि हम इससे कितना भी अर्न कर रहे हैं, 0 रुपीज़, नॉट अ सिंगल रुपीज़। ठीक है, तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप पढ़ेंगे और मैं आशा के साथ आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग मतलब 89 तक चीज़ों को देखे थे, 90 भी देखे थे, 91 से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन ये है कि चौखंडी स्तूपा जो बुद्धिस्ट का मोनूमेंट है, ये किस स्टेट में, भारत के किस स्टेट में, यानी एक चौखंडी स्तूपा है जो एक बुद्धिस्ट मोनूमेंट है। ठीक है दोस्तों, मोनूमेंट आपको पता है किसको कहते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों किस स्टेट में चौखंडी स्तूपा का मोनूमेंट, तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में TCS ने इसे पूछा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश एक चीज़ को और रिलेट करता है बुद्धा से लेकर, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जहाँ पर बुद्धा का मौत हुआ, निर्वाणा उन्हें हुआ। अगला है कि इन विच सिटी ऑफ इंडिया इज धमेक है दोस्तों, धमेक स्तूपा लोकेटेड। ठीक है, धमेक स्तूपा दोस्तों वाराणसी में है। ठीक है, याद रखिएगा, रिपीट किया गया 2 बार इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपसे पूछ सकता है वाराणसी में कौन सा स्तूपा है, तो ऑप्शन में दे सकता है चौखंडी, सांची और एक दो सब में दे सकता है। तो आपको दोस्तों वाराणसी पे क्या करना है, टिक लगाना है। तो अब वाराणसी के लिए अगर धमेश स्तूपा देखेगा टिक लगा दीजिएगा। इन विच ईयर सांची वाज डिस्कवर्ड आफ्टर बींग एबेंडेंट फॉर नियरली 600 ईयर्स। देखो ये एबेंडेंट था 600 ईयर तक। ठीक है, अब एबेंडेंट का मैंने आप बोलो खाली होना, विरक्त होना, खाली पड़ा होना या प्रचलित में नहीं होना। उसके बाद डिस्कवर हुआ दोस्तों 600 ईयर के बाद। ठीक है, सांची स्तूपा। ठीक है, तो दोस्तों वो 1818 में डिस्कवर हुआ। ठीक है, और दोस्तों इसको डिस्कवर करने वाले व्यक्ति का नाम था सर हेनरी टेलर। ठीक है, देखिए सांची स्तूपा जो डिस्कवर किया गया था 1818 में, वो सर हेनरी टेलर ने इसका डिस्कवर किया था। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है और ये सब क्वेश्चन जो आपको लूसेंट में भी नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए बेटर बन जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, द ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची इज वन ऑफ द मोस्ट वेल प्रिजर्व इंडियन बुद्धिस्ट स्तूपा लोकेटेड विच स्टेट। देखिए ये जो है कह रहा है ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची जो है, सांची का जो ग्रेट स्तूपा है ये सबसे बढ़िया से प्रिजर्व करके रखा हुआ इंडियन बुद्धिस्ट स्तूपा है, उसको देख रेख कर में रखा हुआ है, अच्छे ढंग से रखा हुआ है। तो वो कहाँ पर है दोस्तों, याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है। और दोस्तों आप हमें बताइए एलोरा और अजंता का जो कैब है वो किस राज्य से संबंधित है। अगला है विच टर्म इज एसोसिएटेड विथ आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपा। ठीक है, देखिए कौन सा टर्म एसोसिएट है आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपा से, दोस्तों वो है हर्मिका। हर्मिका जो टर्म है वो दोस्तों एसोसिएट है आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपा से। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्तूपा साइट इज नॉट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, कौन सा स्तूपा साइट जो है वो उत्तर प्रदेश में लोकेट नहीं करता है। तो याद रखिएगा बहरुत जो स्तूपा साइट है वो उत्तर प्रदेश में नहीं, क्योंकि हमने अभी चौखंडी देखा। ठीक है, रामभर और धमेक हमने ये 4 देखा। ठीक है, ये तीनों के तीनों दोस्तों यूपी में बिलोंग करता है। ठीक है, जबकि आपका भरोत जो है ये नहीं आता यूपी में। ठीक है, अच्छा चौखंडी स्तूपा था दोस्तों, अभी तुरंत हम लोगों ने देखा। चलिए अब आगे बात करते हैं द बुद्धिस्ट साइट वैशाली एंड नालंदा सिचुएटेड इन विच स्टेट। देखिए आपको बता दूँ बुद्धिस्ट साइट जो वैशाली और नालंदा है ये दोनों के दोनों बिहार में सिचुएटेड है। बहुत आसान क्वेश्चन है, TCS ने पूछा है, और इस स्तूपा के पास आप आसानी से पहुँच भी सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बिहार में आपको वैशाली और नालंदा पहुंचने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेंगे और ना ही इतना परेशानी झेलना पड़ेगा। दिघ निकाय या दिघा निकाय बोलिए, निकाया अंग्रेजी में बोलिए या दिघ निकाय बोलिए, ये इज अ कलेक्शन ऑफ डैश डिस्कर्सेस। ठीक है, देखिए ये जो है बुद्धिस्ट डिस्कर्सेस का क्या है, कलेक्शन है दिघ निकाय। ठीक है, देखिए अलग अलग जो है चीज़ें लिखा जाता है बुद्धिस्ट में। ठीक है, डैश इज अ पार्ट ऑफ सुत पटिका। ठीक है, देखिए पीटिका की बात की जाए तो 3 पेटिका थी, अभिधाम पेटिका, विनय पेटिका और सुत पेटिका। दोस्तों अलग अलग पीरियड में अलग अलग रेन में इसका कंपाइलेशन हुआ था। ठीक है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में किसी का कंपाइलेशन हुआ, किसी का थर्ड में हुआ। ठीक है, तो कह रहा है डैश इज अ पार्ट ऑफ सुत पेटिका, तो दोस्तों मझिमा निकाया जो है पार्ट है सुत पेटिका का। ठीक है, विच फीचर डिस्टिंग्विशेस बुद्धिज्म फ्रॉम जैनिज्म। ठीक है, देखिए इसका एक्सट्रीम फॉर्म जो होता है कंडक्टर सेल्फ मोटिफिकेशन का, वो अलग कर देता है। ठीक है,
किससे, बुद्धिज्म को जैनिज्म। अच्छा जैनिज्म तो अभी काफ़ी अभी पॉपुलर है दोस्तों, बहुत जो लोग हैं जैनिज्म को अपना रहे हैं, है ना। तो इससे जैनिज्म काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है दोस्तों, सुर्खियाँ बटोर रहा है। हु गैव मोस्ट ऑफ हिज प्रीचिंग एट गिरधरकूट, ऐसा आप कह सकते हैं। तो दोस्तों गिरधरकूट जो है उसमें प्रीचिंग कौन दिए थे लेकर, तो गौतम बुद्ध ने, ठीक है। देखिए दोस्तों ये कुछ आपका था बुद्धिज्म और जैनिज्म के एमसीक्यू, ठीक है, जो आज ख़त्म हो रहा है, ठीक है दोस्तों। और अगला हम वीडियो लेकर आएंगे जिसमें और सारी चर्चाएं करेंगे दोस्तों। थैंक यू।